और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एंड टाइम के अंदर ना आप अब टेस्टनेट के ऊपर इनके टोकन्स को यूज कर सकते हो और इनके दो फेसेस के अंदर जो है वो आप ये टास्क कंप्लीट कर पाओगे। देखो यहाँ पे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अगर जितने भी न्यू यूजर हैं मैं उनको वीडियो के पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। एंड टाइम एक ऐसी एप्लीकेशन है जिस कॉइन को आप अपने स्मार्टफोन से माइन कर सकते हो, लेकिन ये अभी अपने कॉइन्स को टेस्टनेट के ऊपर यूज कर रहे हैं। जब मेन नेट के अंदर लॉन्च करेंगे तब जाके जो है वो यहाँ पे इनके कॉइन की वैल्यू मार्केट के अंदर निकल के आएगी। और यहाँ पे विपिन नाम का वॉलेट यूज किया जा रहा है, लेकिन अगर आपने अभी तक एंड टाइम को डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो ताकि थोड़ा बहुत फायदा हमारा भी हो जाए। और अगर आपने हमें टेलीग्राम चैनल के अंदर अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ है जाके आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो, जहां पे आप लोग मुझसे बात कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। और बहुत ही जल्दी मैं गिव अवे लेके आने वाला हूं क्रिप्टो के ऊपर। आप मुझे बताओ किसका गिव अवे किया जाए, बॉन्क का, डॉज का या सीबा का। अब आप में से सबसे ज्यादा डिमांड जिसकी होगी उसका यहाँ पे गिव अवे किया जाएगा, और जितनी मेरी हैसियत होगी चैनल के हिसाब से उस हिसाब से हम जो है वो गिव अवे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन दोस्तों सेकेंडरी चैनल टैकी होम 2.0 भी फॉलो कर लेना, जहां पे रील्स के माध्यम से और शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूं ताकि आप क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर अच्छे से अच्छे प्रॉफिट्स को गेन कर पाओ। चलो बातें बहुत हो गई, सीधे चलते हैं यहां पे एंड टाइम एप्लीकेशन के ऊपर। सिंपली फ्रेंड्स अगर आपने एंड टाइम इंस्टॉल नहीं करी है तो एंड टाइम को इंस्टॉल कर लेना। मैंने इसके ऊपर बहुत टाइम पहले वीडियो बनाई थी जहां पे आप लोगों ने अच्छे खासे रिस्पॉन्स भी दिए थे। अब देखो फ्रेंड्स यहां पे सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहां पे इनका एक गिव अवे भी चल रहा है। जो गिव अवे है यहां पे 100 USDT का प्लस साथ ही साथ 1 लाख टाइम टोकन का, जिसको आप सिंपली क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करना है, एक YouTube वीडियो आप लोगों के सामने आएगी, इसको यहाँ पे पॉज एंड वाला चैलेंज आपने देखा होगा ना कि भाई यहाँ पे रनिंग होती रह रही है, इसको आपको सेंटर में लेके आना है और स्क्रीनशॉट खींच के जो है वो इनको यहाँ पे भेज देना है। बाकी डिटेल के बारे में आपको जानना है तो इनके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में यहाँ पे आप पढ़ लेना कि भाई यहाँ पे इनकी क्या क्या पूरी की पूरी डिटेल है, किस तरीके से जो है वो यहाँ पे गिव अवे काम करेगा। ठीक है, पॉज एंड वाला चैलेंज है जहाँ पे 100 USDT का गिव अवे है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनकी टेस्ट नेट की कि भाई ये जो टोकन आप अर्न कर रहे हो सिंपली जितने भी न्यू यूजर हैं माइन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलेगा आज के लिए माइनिंग करने वाला, ये माइन करते रहेगा, आपके टोकन्स यहाँ पे इकट्ठा होते रहेंगे। मेरे केस के अंदर मेरे पास 181 टाइम टोकन इकट्ठा हो गए हैं। अब डेली का बोनस भी यहाँ पे मिलता है, टैप करके जो है वो आप इसको क्लेम कर सकते हो। अब जितने भी यहाँ पे ओल्ड यूजर हैं मैं बताता हूँ किस तरीके से जो है वो यहाँ पर से आप इनकी टेस्टनेट को यूज कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि टेस्टनेट कैसे काम करेगी और इसके दो फेसेस क्या क्या हैं। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, वॉलेट एंड टेस्टनेट आर लाइव, फाइनली ऑल टाइम्स कैन क्रिएट एंड ओन Web3 डिसेंट्रलाइज वॉलेट within the end time for successful launch the time mainnet end time will running testnet task for 3 months 3 महीने का पूरा पूरा टास्क चलेगा, जहाँ पे टेस्टनेट फेस विल डिवाइडेड बी टू इंटू टू फेसेस, फेस वन और फेस टू। बाकी इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना, फेस वन अभी जो है वो चल रहा है जहाँ पे बताया हुआ है फेस वन के अंदर आपको क्या करना है। अभी के लिए सबसे पहले देखो आपको वॉलेट क्रिएट करना है, वॉलेट क्रिएट करने के बाद उसके बाद इसके डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन होना है। अगर आपने डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया है तो इनके डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो। देखो अभी यहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर कुछ भी टेस्टनेट के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई गई है, तो भाई यहाँ पे मेक श्योर आप जो है उसको ज्वाइन कर लेना ताकि जो है वो आपको फ्यूचर में इसके अंदर अपडेट मिल जाए कि भाई आप वो टेस्टनेट में जो आपको कॉइन मिलेंगे उसका आप क्या करोगे। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको इसके अंदर पूरा का पूरा वॉलेट क्रिएट करने के क्या करना है, सिंपली आपको वापस आ जाना है एंड टाइम एप्लीकेशन के अंदर। जैसे आप एंड टाइम एप्लीकेशन के अंदर जाते हो यहां पे आपको ऊपर वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहां पे आपको देखने को मिलेगा ऊपर वॉलेट वाला सेक्शन स्पेंडिंग के बगल में, यहां पे वॉलेट सिंपली जो है वो आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करोगे। यहां पे आपको एग्री के ऊपर क्लिक करना है, एग्री लिखना है AGREE एग्री लिखना है, कंफर्म के ऊपर यहां पे क्लिक करोगे और जैसे ही यहां पे क्लिक करोगे तो आपका वॉलेट जो है वो क्रिएट होने के लिए लग जाएगा। तो यहां पे देखो सिंपली ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, आप जो है वो अपने अकाउंट से जो है वो लॉगिन कर सकते हो, जिस भी अकाउंट से आपको लॉगिन करना है चाहे गूगल से करो या जो है वो आप जो है वो नॉर्मल लिंक्डइन वगैरह से भी इसमें जो है ऑप्शंस यहां पे दिए गए हैं। तो जैसे ही यहां पे आपका अकाउंट क्रिएट होता है तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहां पे आप सोचोगे कि भाई आपके एसेट्स के अंदर यहां पे भी कॉइन क्यों नहीं है। देखो सबसे पहले तो ये एक टेस्ट नेट है, ये कोई मेन नेट नहीं है। टेस्ट नेट का मतलब होता है कि भाई यहां पे जब भी कोई कंपनी अपनी क्रिप्टो को मार्केट के अंदर उतारती है तो वो यहां पे मार्केट के अंदर चेक करती है कि भाई हम कितनी भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो कहीं फेल तो नहीं हो रहे हैं, जिससे आप टेस्ट नेट से ही नाम से पता लगा सकते हो कि भाई यहां पर टेस्ट किया जा रहा है इनके टोकन्स को कि भाई इनके टोकन्स अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ही यहां पर टेस्ट नेट के अंदर इन टोकन पास होंगे फिर ही चले जाएंगे मेन नेट के अंदर। अब यहां पर सवाल है कि भाई यहां पर टोकन्स हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, ये टोकन हमें कब दिखाई देंगे। यहां पर देखो इनका कहने का मतलब क्या है, यहां पर देखो क्रिएट यूअर विपिन वॉलेट इन द एंड टाइम एंड रिसीव 10 टेस्टनेट टाइम्स टोकन डेली।
सॉरी यहाँ पे टाइम कॉइन्स डेली, यहाँ पे डेली के बेसिस में आपको मिलेंगे। जैसे मान लो मैंने आज क्रिएट किया, मुझे हो सकता है यहाँ पे टोकन्स कल मिले, फिर उसके बाद परसों मिले, डेली बेसिस में 10 टोकन्स यहाँ पे दिए जाएंगे। फिर मैं जो है उसको सेंड करूँगा या रिसीव करूँगा, किसी को भी मेरे को भेजना है तो इसके थ्रू जो है मैं यहाँ पे सेंड और रिसीव कर सकता हूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर आप इनके टेस्टनेट के अंदर पार्टिसिपेट करते हो सकता है आने वाले टाइम में ये आपको एज अ एयरड्रॉप के फॉर्म में अपने टोकन्स को और प्रोवाइड करें और जो है वो आपकी अर्निंग और भी ज़्यादा मार्केट के अंदर बूस्ट हो। तो भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पर से जो है वो आप एंड टाइम एप्लीकेशन से अर्निंग कर सकते हो। और जितने भी न्यू यूजर हैं मैं बता दूं, यहाँ पे पहले ना इनका स्लॉट था सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों का या 100 लोगों का, लेकिन अब जो है वो इन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पे 1000 लोगों का स्लॉट रख दिया है। आप जो है वो 1000 लोगों तक का रेफर कर सकते हो, बट उसके पास यहाँ पे आप लोगों के पास ये क्लॉक होनी चाहिए, ये वाली क्लॉक होनी चाहिए। क्लॉक जैसे आपके पास 1000 मतलब इतनी क्लॉक्स हो जाएंगी तो आप जो है वो अपने रेफरल्स को 900 रेफरल्स और ऐड कर सकते हो। और साथ ही साथ शॉपिंग के मामले में यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन देखने मिलेंगे कि भाई आप जो है इनके क्लॉक से क्या क्या सामान खरीद सकते हो। बाकी प्रोफाइल और सेक्शन आपको यहाँ पे देखने में मिल जाएगा। तो भाई मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट अच्छा है, आपको जो है वो इसके अंदर काम करते रहना चाहिए। फिर से मैं वो बोलता हूँ भाई, यहाँ पे ये पाई की तरह नहीं बोल रहा है। पाई यहाँ पे पता नहीं कब अपनी टेस्ट नेट लेके आएगा, टेस्ट नेट ला भी गया तो भाई मेन नेट के अंदर वो कब आएगा किसी को नहीं पता है। लेकिन ऐसे मार्केट के अंदर बहुत से नए नए प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पे आपको अच्छे खासे प्रॉफिट दे सकते हैं, उनके ऊपर काम करो, पाए भी माइन करते रहो। बट यहाँ पे मार्केट के अंदर जितने नए प्रोजेक्ट हम अपने चैनल के अंदर कवर करते हैं उनको भी एक बार फॉलो करो, उनको भी एक बार देखो कि भाई किस तरीके से प्रोजेक्ट काम करते हैं, आप लोग की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। हमने रिसेंटली जैनो के बारे में बात करी, म्याओ कॉइन के बारे में बात करी, हमने रिसेंटली आप कैसे अपने स्मार्टफोन से गेम खेल के टोकन अर्न कर सकते हो। अभी एक कंपनी मेरे पास आई है कि भाई हमारे कॉइन्स को प्रमोट करो, या हमारा एक ऐसा गेम है इसको प्रमोट करो जिससे लोग जो है वो पूरे महीने में $200 अर्न कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली जो है वो वीडियो कवर करूंगा आपको बताने के लिए कि इस तरीके से जो है वो आप इनके गेम प्ले कर सकते हो, उनके गेम प्ले करके यहाँ पे टोकन्स अर्न कर सकते हो। चलो बातें बहुत हो गई, आज की इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना किसका गिव अवे आपको चाहिए, डॉल, सिवा या बॉन्ग का। बाकी यहाँ पे डिसीजन रहा आप लोगों का। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो पर एंड करते हैं, धन्यवाद।